बहराइच के 35 गांव में भेड़ियों का आतंक जारी है। भेड़ियों के हमले में अब तक 9 लोगों की जान ले ली है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 22 टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। सरकारी मदद मिली विधायक की तरफ से, लेकिन बच्चा नहीं है, ये क्या लिख रहा है। ये सिद्धू हैं, जो भेड़िए के हमले का शिकार हुए अपने 8 साल के बेटे किशन को खोने का गम नहीं भुला पा रहे हैं। किशन का परिवार उन 8 परिवारों में से एक है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों के हमलों में अपनों को खोया है। हैरान परेशान को लाइला गांव के लोग भेड़ियों के भयानक हमलों को याद कर सिहर जाते हैं। हम घर के अंदर रहना और हमारे मेहरुआ यह थी, जहाँ आप खड़े हो इतनी रहे, और एक बिटिया है कन्याम इनके, ये सही तो उका पकड़ा रहे हैं, उका ना ही पूछे और यह पर पगले का हुआ घर में घुसेगा। हाँ ना ही, अभी हमारे 35-36 साल के उम्र है हमार, लेकिन हम यू हादसा कभी हमने सामने ना ही भा, तो हमका अति आइडिया ना रहा। अंदर से बाहर निकला है तब जान मिला है, तब सब कोई साथन भागिन, तब सब कोई रहा साथन, लेकिन उमा जान ना मिला कि किधर गवा किधर गवा। तक के बाद में है जब जान मिला तब पूरा गन्ना सब कोई ढूंढ डारी से, लेकिन कहूँ ना मिला। पछलहरा 5 बजे इधर गन्नन में मिला बच्चा। वो बहराइच के ही दीवानपुरवा गांव में 7 साल के अयांश को घर में सोते वक्त एक भेड़िया गन्ने के खेत में खींच ले गया था। परिवार के सदस्य अब तक अपने बच्चे को खोने और हादसे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। 2 बजे के बाद वो आया है, 10-15 मिनट के बाद वो आया है, किसी को पता नहीं चला है कि कितनी देर में आया कितनी देर में लेके चला गया है। फिर 5 मिनट के बाद इनके माँ को पता चला, इसको दूध पिलाने लगे, उसको देखा वो नहीं, फिर मेरे को आवाज़ दिया पिताजी का, मैं जगह आया, फिर मालूम सबको दिया, फिर पिताजी मेरे निशान देखे तो पता लगा भेड़िया लेके गया। फिर पूरे मोहल्ले को गाँव को सबको बताया, सब हेरने करे, टीम आई पूरी हेरने के लिए, वन विभाग के आए सब हेरने के लिए। हेरते 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 सुबह हो गई, 5 बजे बॉडी मिली थी। जाली लाग रहा है तब वो मुड़ पकड़ के नीचे तनको स्वागत रहा है, हमरे आया तनको चिल्लाए ना दिन ना है, हमरे भैया के अति अंगुरी मशीन में कटी रहे, मार छटपट छटपट करत रहे, और पूरा हाथ गोड़ खा ली तो माँ भैया कतना रोवत हुई, हाई कोई वहाँ बचाव ना पहुँच पी, कुछ भनक ना लागे थे हमरे पापा खटिया बड़ी रहा, दद्दू हमरे उत्ती बड़ी रहा, वही साइड से लिए चला गया, कोई पता ना चला। हालांकि जिला प्रशासन, वन विभाग और कई दूसरे विभाग भेड़ियों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। हालांकि गांव वाले भी भेड़ियों के हमलों से सुरक्षित रहने के इंतजाम कर रहे हैं। भेड़ियों को भगाने और किसी भेड़िए के दिखाई देने पर गांव वालों को सावधान करने के लिए रात के वक्त लाठी डंडों के साथ रखवाली की जा रही है। हाँ बहुत है सख्त, और आसना साहब की कोई दिन ना आवत हो, हर रात को आता है, ऐसा ना है कि कोई दिन नहीं आता हो, एक है नहीं 4-6 हैं। तो रात भर सोए ना मिलत है, हाँ वो सिरे पर सुहावा जाता है, 2-4 आदमी, 2 आदमी जागत हैं तो 2 आदमी सुहावत हैं, ऐसे इस तरीके से रात काटी जाता है, लाठी डंडा पटका रात भर हल्ला दंगा किन जाता है। फिर भी इके पहले आज परसों 3 चक्कर गाँव में का घुसा है, और सब कोई लाठी लेकर खरीदे हम, कोई नहीं पूछने वाला है, बस आता है और किधर गवा कह के वापस लौट जाते हैं। जब हाँ आया है उड़ाइन है, और कैमरा उड़ाइन है, कहीं इसमें नहीं है, और देखो 1000 आदमी, 3 गांव के, 4 गांव के आदमी आए हैं, 5 गांव के, और गन्ना में पेल गए हैं, नाली नाली गए हैं, तब निकला है, तब दक्षिण साइड भाग है, बरूही क्या खरीदिन है तो गन्ना चला हुआ है, तो क्या करें, अपने बच्चन देखी कि जानवर देखी कि क्या क्या करी। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है, इसी के तहत वन विभाग ने गुरुवार को एक नर भेड़िये को पकड़ लिया। सर्च टीमों ने भेड़ियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन तैनात किए हैं, साथ ही डेटा का इस्तेमाल उन जगहों पर जाल बिछाने के लिए किया जा रहा है जहां उन्हें पकड़ा जा सकता है। वन अधिकारियों के मुताबिक भेड़ियों की संख्या 6 है, इनमें से 4 को पकड़ा जा चुका है जबकि 1 की मौत हो चुकी है। जो है 2 भेड़िया भी और बचे हैं, क्योंकि 6 भेड़िये लोकेट हुए थे जी,
उसमें से चौथा आज पकड़ा गया है। अभी दो बचे हैं, तो अभी इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे कोई घटना न हो, किसी प्रकार के बाकी पकड़ लिया जाए, कुछ भी करना पड़े, इसलिए इतनी रात को इतनी शाम को हम लोग लगे हैं यहाँ। बहराइच जिले की महसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने खतरे की जद में आए गाँव का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए की मदद का वादा किया। हाँ, जहाँ पे दरवाजे नहीं रहे हैं, वहाँ जो गन्ने के खेत के किनारे मकान हैं वो संवेदनशील हैं, वहाँ हम दरवाजे भी दे रहे हैं, वहाँ हम लाइट भी लगवा रहे हैं, वहाँ हम किसी के यहाँ लैट्रिन नहीं है तो उसके लिए भी 48 लाख रुपया रिलीज किया गया है, उनके यहाँ लैट्रिन भी बनवाने का काम करेंगे। और सब स्टेशन की क्षमता हमारी 10 MBA की थी, उसको भी बढ़वा करके 15 MBA करा दिया गया है, जिससे बिजली न जाने पावे, लोगों को असुविधा न होने पावे। जितने प्रयास हो सकते हैं उतने प्रयास किए जा रहे हैं, और जो लोगों मृतक हैं उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा भी तत्काल दिया जा रहा है। हालांकि गांव वाले डर के साए में जीने को मजबूर हैं, वे उम्मीद लगाए हैं कि बाकी भेड़िए भी जल्द ही पकड़े जाएंगे और उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सकेगी।